तूने कर ली। तो ये आप लकी हैं या कोई मैजिक आपके पास वॉन्ड है या क्या है, आपकी इतनी इंटेलिजेंस है? नहीं, क्या सीन है ये? मैं इसका क्रेडिट आई स्वेयर मैं 1% भी नहीं लेता, और मैं 100% क्रेडिट जो है वो कोई इनसाइट तो होगी ना, ऐसे इतना तो नहीं मतलब यार कि कंटिन्यूअसली पिकिंग दोस स्क्रिप्ट्स एंड दोस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड रोल्स दैट गो ऑन टू बिकम लाइक बिग एंड सो इम्पैक्टफुल, तो कुछ तो आपके अंदर कोई कीड़ा है कोई ना कोई। नहीं हसन, कुछ नहीं है, मुझे नहीं मालूम। Honestly, it's just my experiment, and I think it would be so wrong if I say कि ये मैंने कुछ ऐसा किया। मैं और आप हसन कुछ नहीं कर सकते, ये सब एक अल्लाह की जात होती है जो कुछ करती है। ये जो होता है ना कि मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने ये किया, दैट इज वो मेरी एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे माइंड में। हम लोग नहीं करते कुछ भी, इट्स गॉड हु डज इट। Talking about Taha, yeah. What went into creating him? एक तो लुक का मैंने वैसे ऑफ कैमरा आपको कह रहा था, भाई आप यू तो लुक लाइक अ टर्किश गाय। आपने पूरी जो अपनी लुक के साथ पहली चीज एक्सपेरिमेंट की है, दूसरा जो उसके जो ट्रेट्स हैं, यू नो पहले बिल्कुल ही एक अलग उसकी डगर पे चल रहा था, अल्लाह वाला था बिल्कुल, यू नो वो जो डांस वर्लिंग दरवेश फॉल्स इन लव विद अ वुमन, कैसे मैंने अपने रिव्यू में भी हम बात कर रहे थे कि यू नो द फैक्ट के टू पीपल आर सो इन लव that they can't live without each other, from there they go to a position where they're like, okay, you've ruined my life. Is tarah ki transition portray karna screen ke upar, what went into creating Taha? Hasan, ek to ye ki is in dono characters mein na kuch black or white nahi hai, it's grey. Aur ye har human insaan ki nature hai ki aap kisi se mohabbat bhi karte hain, lekin kabhi kabhi aap zindagi mein koi stress level aisa aa jata hai ki aap usi cheez se utni mohabbat nahi bhi karte us waqt ke liye. So, ताहा का जो कैरेक्टर है उसमें आप ये देखें कि एक तो वो थोड़ा सा डोसाइल किस्म का बाप के बहुत ज़्यादा सुनने वाला, बाप को चाहने वाला, बाप से मोहब्बत करने वाला, बहुत धीमा किस्म का एक इंसान है जो कि मासूम भी है और बस अल्लाह के नाम लिखता है और कैलीग्राफी करता है, और जो उनका वो दिखाया है कि ख़ानदानी एक काम है, और जब बाप उसको मना भी करता है तो वो बाप से माफ़ी भी मांगता है, जबकि मतलब वो जनरेशन भी ऐसी दिखाई है, आजकल की जनरेशन तो शायद शादी या पसंद किसी को करते हैं बाप से पूछेगी भी नहीं, बट वो जनरेशन भी पास्ट की दिखाई है जो कि बहुत उसको दिल को लगा कि बाप ने उसे वो कर दिया। फिर जैसा ये कैरेक्टर बाद में कन्फ्यूज़ होता है लेटर ऑन, बिकॉज नॉट दैट ही डजन लाइक हुस्ने जहाँ और ही डजन स्टॉप लविंग हुस्ने जहाँ, ही स्टक समवेयर इन द मिडल। अल्लाह से इश्क है, मोहब्बत है जो कि कभी नहीं जाता, इंसान से भी मोहब्बत करने का हमें कहा गया है, वो उससे भी करता है, लेकिन जो वो सिचुएशन देख रहा है कि वो उसकी वजह से उसकी जो बीवी है या उसका बच्चा है वो ट्रबल में है, उनका कोई काम नहीं चल रहा, उसका पैसे नहीं आ रहे, और उसको एक गिल्ट भी है कि उसने बाप का भी दिल दुखा है, उसको ये भी गिल्ट है कि उसने जो है वो बच्चों को नहीं, वो बच्चे को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दे पा रहा, बीवी को खुश नहीं रख पा रहा, ये सब उसकी मेंटल सिचुएशन और स्ट्रेस में इजाफा किया। और एक सेंसिटिव इंसान जो होता है वो बड़ी जल्दी से स्ट्रेस्ड आउट ओके, वो जल्दी उसमें एबिलिटी टू यू नो थोड़ा क्रेजी होने की एबिलिटी, आप सेंसिटिविटी होती है ना जो आपको ज़्यादा हर्ट और फील आप ज़्यादा करते हैं, सो ये उस कैरेक्टर के साथ हुआ। ही वॉज कन्फ्यूज, इफ़ यू लुक एट हिज जेस्चर्स एंड लाइन्स, He's confused also, and he doesn't think much. He just says so much. और बाद में जो अभी character के साथ होता है, जो वो गायब भी हो गया या कि चला गया, वो भी guilt में ही गया ना दूर। इतनी character की समझ तो है, but आपने prepare कैसे किया इस character? आपने novel पढ़ा? I've read some of it. मुझे उमेरा ने sign करके भेजा novel, मैंने पढ़ा बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये लगा कि हसन ने उस novel को और मजीद एनहांस कर दिया। अच्छा मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, माय वाइफ एंड इवन अदर पीपल हु रेड द नॉवेल से कि यार एग्जीक्यूशन 100% है, बहुत अच्छी है ये, और ये बड़ा मुश्किल होता है टू अचीव करना कि जो कैरेक्टर लिखा हुआ है वो आपने एज इट इज स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया, दैट्स अगेन अनदर क्रेडिट फेदर इन योर कैप। तो ये इसकी कोई कॉन्शियस कुछ एफर्ट डाली, क्या किया, कैसे आपने सोचा कि यार ऐसे करना है? असद पता नहीं, मैं मेरे पास इस सवाल का जवाब आएगा ही नहीं कभी। मैं सोचता हूँ मैंने क्या एफर्ट किया, तो मुझे लगता है मैंने कोई एफर्ट नहीं की, बस हम एक्टर्स का ब्रेन, बट आई फील वे लाइक मी एज एन एक्टर आई कॉन्ट से मच अबाउट अदर्स, बट इट वर्क लाइक कंप्यूटर। अगर आप मुझे कैरेक्टर देते हैं और मुझे बताते हैं ब्रीफ करें कि ऐसा इसका ये, तो मेरी
एक ऑटो है, कुछ ऑटो स्विच है हसन, सिस्टम लगा हुआ अंदर। आई डोंट नो हसन सिस्टम, आई डोंट नो, ये सिस्टम है कि मैं आई स्टार्ट वॉकिंग लाइक दैट कैरेक्टर, उसका एक बैकग्राउंड जेन में आ जाता है मेरे, आई स्टार्ट टॉकिंग लाइक दैट। इफ यू गिव मी अ कैरेक्टर ऑफ इट से कि मैं 25-30 साल का एक लड़का बन गया हूं, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज अचानक थोड़ी यंगर हो जाएगी। आप मुझे कहेंगे 50 साल का लड़का है, आदमी लड़का बोल दिया यार, 50 साल का आदमी है, तो वो पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इट्स ऑटो, बट ये कि उस पर फोकस, बस ये कि मुझे लगता है मेरी फोकस ज्यादा, डिटर्मिनेशन ज्यादा होती है। मैं अपनी किसी चीज को, अपने एक शॉट को, अपने किसी काम को, छोटा बड़ा, मैं उसको ये नहीं समझता कि ये कमतर है, ये ज्यादा है, मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करनी है, ये नजर आएगा, ये होगा। आई टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली, चाहे मुझे कहीं पे एक लाइन भी बोलनी है, मैं उस काम को दिल से करता हूँ, दैट्स इट। मुझे नहीं उससे ज्यादा पता। बाकी जो जो लुक आप बोल रहे हैं, वो दाढ़ी को थोड़ा सा कलर उसका चेंज करना, वो सारा, दैट वाज लाइक आई थॉट ऑफ दैट के हाउ डू आई लुक, दैट्स योर पर्सनल लाइक इनपुट, यस, हाउ डू, आप मुझे बताएं ना, मुझे कोई एक यंग लड़का है 30-35 साल का और उसने टर्किश लड़का बनना है, तो वो क्या चेंज कर लेगा अपना? मतलब मैं ना टिंट करा सकता हूँ, ना मैं कोई कपड़े ऐसे पहनूंगा कि यहाँ लिखा हो कि मैं, सो आई जस्ट इंस्टेंटली थॉट ऑफ स्लाइट हेयर कलर एंड दिस चेंज, बिकॉज वहां के लोग थोड़े से आर नॉट लाइक इंडियन पाकिस्तानी, थोड़े से ब्लॉन्ड होते हैं हल्के से, सो वो चेंज किया और मुझे लगा कि वो ठीक भी लगा, और एक वही चीज थी जो मैं पोर्ट्रेट इस तरह से कर सकता था। और बीच में एक दो जुमले टर्किश के भी बोले मैंने, आप बोले बिल्कुल, हाँ। पहले मुझे था ये टर्किश बोल क्यों नहीं रहा कैरेक्टर, बट देन वो अंडरस्टैंडिंग थी कि माँ उसकी, आपकी जो वालदा का रोल पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान, लेकिन वो भी मैंने वो लिखा नहीं हुआ, तो वो मैंने बोले क्योंकि मुझे लगा चंद तो सीन है मेरे, तो बोलना बिल्कुल सही, और एक टर्किश आदमी से इंटरेक्शन था एक ही सीन में, अभी तो अपने बच्चे से, बाप से और कुबरा से इंटरेक्शन जो था वो तो पाकिस्तानी लोग थे ना। मेरा ये सवाल भी था कि बाप तो टर्किश है, बेटा भी टर्किश है, बाप के साथ कहीं ना कहीं टर्किश होनी चाहिए थी, बट चलें क्रिएटिव लिबर्टी वहां पे। आई थिंक बहुत कम सीन्स थे, अगर ज्यादा सीन्स होते तो हम ये जरूर करते इसको, बट सोचा आपने यही बहुत है, आपने एक्नॉलेज की इस चीज को, बिकॉज़ ज्यादातर लोग नहीं कहते, कहते क्रिएटिव लिबर्टी है भाई। नहीं, क्रिएटिव लिबर्टी तो है, बट देन वी हैव टू मेक श्योर पीपल डू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। लेकिन जहां पे मुझे लगा कि एक टर्किश लड़के के साथ एक खत लेके आता है एक आदमी, मैं उससे पूछता हूँ कि खत, वहां पे मैंने उससे टर्किश में एक दो जुमले बोले। सो या अच्छा ये बताएं, मुझे पर्सनली एक चीज बॉदर कर रही थी, जो ताहा की जर्नी अभी तक हमने देखी है, एंड पे, एंड तक, इवन दो ही वाज यू नो इन अ लॉट ऑफ गिल्ट, माफी भी मांगी, सब कुछ किया, व्हाई डू यू थिंक पर्सनली ताहा वाज नॉट फॉरगिवन फ्रॉम विद द फादर? आई थिंक जनरली टैलेंट चला गया, बाप ने फॉरगिव नहीं किया। मैं मुझे नहीं लगता कि ये, देखिए एक तो ये बात तय है कि बाप की ईगो थी जिसकी वजह से बाप ने माफ नहीं किया, ये बात तो है, लेकिन फिर बाप की ईगो के पीछे एक वजह, क्योंकि बाप, देखें हसन, हर एक के राइट्स एंड रॉन्ग्स अपने अपने होते हैं जिंदगी में, आपके लिए क्या गलत है क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है, ये मैं डिसाइड करता हूँ। और एक बोलते ना स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं होती कि बाप को लगा कि इसने गुनाह किया।